आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर 22 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग में जन जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक करने व इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से ये रैली दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट से निकाली गई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी तथा आयुष्मान भारत योजना के दुर्ग जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल ने रैली का शुभारंभ किया। डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जा सकता है ताकि लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूर्ण होने पे और आयुष्मान डिजिटल मिशन के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पे इस योजना के प्रचार प्रसार और इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम और जागरूकता के लिए और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें कि बाइक रैली जो कलेक्ट्रेट से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए आयुष्मान के बारे में लोगों को जागरूकता और उसका संदेश देने के लिए संचालित की गई थी। वहीं आयुष्मान के जिला समन्वयक देवेश तिवारी ने बताया कि जिले में 17 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 14 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं और बचे हुए लोगों का कार्ड शिविर के माध्यम से बनाया जा रहा है। जो विशेष योगदान देने वाले शासकीय चिकित्सालय हैं और निजी चिकित्सालय हैं उनके चिकित्सालयों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। इस योजना में हम लोग गांव-गांव में शिविर हमारे लगा रहे हैं, जो शेष हितग्राही छूटे हुए परिवार हैं उनका कार्ड बना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गांव में शिविर लग रहे हैं तथा डोर टू डोर जाकर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। दुर्ग जिले में कुल 17 लाख लगभग परिवार हितग्राही हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिसमें से 14 लाख परिवारों हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। 3 लाख हितग्राही शेष हैं जिनका डोर टू डोर और अलग अलग शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में आकर संपन्न हुई।